इस खूबसूरत शहर में जाकर रहने वालों को मिलेंगे 25 लाख। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। इनकम कितनी भी हो या ना हो, अच्छी लोकेशन पर रहने का सपना हर कोई देखता है। लोग होश संभालने के बाद अपने सपने के घर के बारे में सोचने लगते हैं। अगर आपका यह सपना बिना किसी जतन के पूरा हो जाए तो ये सवाल आपको जरूर हैरान करने वाला होगा। लेकिन हकीकत यह है कि इटली के एक शहर में बसने के लिए लोगों को 30,000 यूरो ऑफर किए जा रहे हैं। 30,000 यूरो यानी कि 25 लाख रुपए। आइए आपको बताते हैं इस शानदार डील के बारे में। हाल ही के वर्षों में इटली के आसपास के कई शहरों में लोगों को वहां आने और रहने के लिए लुभावने उद्देश्यों से नई पहल और विचार पेश करने की होड़ लगी है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्वी इटली के प्राइसिस शहर के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव की पेशकश की। इस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि शहर में खाली पड़े मकानों में रहने की हामी भरने वालों को मकान खरीदने और उसकी मरम्मत के लिए 30,000 यूरो दिए जाएंगे। ये रकम सिर्फ घर खरीदने और रेजिडेंसी लेने के लिए दी जा रही है। बता दें कि शहर को ऐतिहासिक शहर से लोगों का पलायन तेजी से हुआ, जिसके चलते यहां की जनसंख्या बेहद कम हो गई। इस फैसले के पीछे पुराने शहर की संस्कृति जिंदा रही और यहां आकर घूमने वालों से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही, ये वजह बताई गई है। यहाँ के रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर कहीं और बस गए। लंबे समय से यहाँ के कई मकान खाली पड़े हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये शहर खूबसूरती के मामले में बेहद आकर्षक है। सुंदर नीले पानी के बीच और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की पहचान है। स्थानीय पार्षद एल्फ्रेडो पालेस ने कहा कि 1991 से पहले बने ऐतिहासिक केंद्र में कई खाली घर हैं, जिन्हें हम नए निवासियों के साथ फिर से देखना चाहते हैं। ये दुख की बात है कि कैसे इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और कला से भरे हमारे पुराने जिले धीरे धीरे खाली हो रहे हैं।